संडे का दिन था। इमली घर पर बोर हो चुकी थी। तभी इमली को एक सरप्राइज पार्टी रखने का आइडिया आता है। खासकर इमली बीर को सरप्राइज करना चाहती थी। इमली अपने सभी दोस्तों से मिलती है और घर में पार्टी रखने का प्लान बनाती है। पार्टी की तैयारी हो जाने के बाद इमली बीर को कॉल करती है और बीर को घर पर आने के लिए कहती है। लेकिन बीर किसी खास मिशन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। बीर इमली से कहता है, इमली मैं किसी काम से शहर से बाहर आया हुआ हूँ, मुझे आने में शाम हो जाएगी। इमली कहती है, ठीक है वीर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उधर वीर अपना काम खत्म करने के बाद घर आ रहा होता है। तभी कुछ लोग वीर को किडनैप करके एक डरावने से रूम में बंद कर देते हैं, जिसमें से निकलना आसान नहीं था। वीर को जिस रूम में बंद किया गया था उस रूम में 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे में एक खतरनाक शेर था जो 1 महीने से भूखा था। अगर वीर उस दरवाजे से बाहर जाता है तो शेर उसको मारकर खा जाएगा। दूसरे दरवाजे में आग जल रहा था। अगर वीर उस दरवाजे से बाहर गया तो वह उसमें जलकर मर जाएगा। तीसरे दरवाजे में एक सीरियल किलर था जिसने सन 1920 में 200 लोगों को मारा था। अब वीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दरवाजे से बाहर जाए। तो दोस्तों, क्या आप अच्छे से सोचकर बता सकते हो वीर को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर हमें कॉमेंट कीजिए। दोस्तों, वीर तीसरे दरवाजे से बाहर जाएगा, कैसे चलो समझ लेते हैं। दोस्तों, सीरियल किलर ने 1920 में 200 लोगों को मारा था, अब तक तो वो मर चुका होगा। वीर इस बात का फायदा उठाकर तीसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जब वीर घर पर पहुंचता है तो देखता है इमली उसका इंतजार कर रही होती है और उसके लिए पार्टी रखा गया था। वीर ये सब देखकर बहुत खुश होता है। इमली वीर और अपने सभी दोस्तों के लिए तरबूज लेकर आती है। सब लोग तरबूज खा ही रहे होते हैं। तभी वीर अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी इमली पुलिस को कॉल करती है और घर पर बुलाती है। पुलिस वीर के शरीर को चेक करती है तो पता चलता है कि वीर का मौत जहर खाने से हुआ है। पुलिस कहती है, तुम लोगों ने वीर को जहर खिलाया है। तभी इमली पुलिस से कहती है, नहीं अंकल, हम सब ने वीर को तरबूज खिलाया था और हमने भी साथ में तरबूज खाई थी। इमली की बात सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि वीर ने जहर कैसे खाया। दोस्तों, क्या आप अच्छे से सोचकर बता सकते हैं कि वीर ने जहर कैसे खाया? अच्छे से सोचिए और आपका आंसर हमें कॉमेंट कीजिए। दोस्तों, असल में जहर तरबूज में नहीं तरबूज के बीज में था। वहीं इमली और उसके दोस्तों ने तरबूज का बीज निकालकर तरबूज खाया था, जबकि वीर ने तरबूज के साथ साथ उसका बीज भी खा लिया था, इसलिए वीर की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, आज की पहेली कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।